आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में पैडलेगंज चौराहा से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें एडीजी अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त अविनाश सिंह एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा रैली के 300 वाहनों को रवाना किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कई कार्यक्रम करेगा, जिसमें बुधवार को 300 से ऊपर नगर निगम की जो चार पहिया वाहन है विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली पैडलेगंज से छासंग चौराहा, अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक, गोलघर, यातायात तिराहा, धर्मशाला बाजार, गोरखनाथ मंदिर होते हुए नगर निगम में समाप्त होगी। वहीं महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी के तहत नगर निगम ने नागरिकों के अमृत महोत्सव के प्रति जागरूक करने के लिए यह वाहन रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है, इसके लिए भारत के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसी के तहत यह महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महापौर सीताराम जायसवाल सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, झंडा थोड़ा नीचे सर, नीचे करिए, झंडा नीचे करिए।
जैसा कि आप जानते हैं देश आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो है मना रहा है और उसे पूरा देश जो है अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर नगर निगम ने भी 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक तिथिवार जो है जो रूप कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर रखी है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 10 तारीख को हम लोग लगभग 350 से ऊपर जो चार पहिया वाहन हैं उनकी विशाल तिरंगा वाहन रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय मंडलायुक्त महोदय, ADG साहब, DM साहब, SSP साहब और माननीय मेयर साहब के द्वारा संयुक्त रूप से जिसको हरी झंडी अभी दिखाई जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देशवासियों के बीच में, गोरखपुर वासियों के बीच में जो देश की देश प्रेम की भावना है उसको जागृत करना और निश्चित रूप से इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उससे जहां हमारे देशवासियों के बीच में देश प्रेम की भावना जागृत होती है वहीं पर जो हमारे देश की एकता और अखंडता है उसे और भी ज़्यादा मजबूती मिलती है। ये कार्यक्रम इस प्रकार के जो है दिल्ली भर कल भी जैसे हमारी मैराथन है, इसके बाद हमारा काव्य सम्मेलन है, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का जो एक संगोष्ठी है, 15 तारीख को हमारे अमृत सरोवर, अमृत पार्क, अमृत वाटिका में ध्वजारोहण है। इस प्रकार से कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। ऐसा कार्यक्रम होने से निश्चित रूप से देशवासियों में जो एक नई जोश का संचार हो रहा है वो अद्भुत है। महोदय जी के नेतृत्व में हम आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी के तहत नगर निगम नागरिकों में आज़ादी महोत्सव को प्रति जागरूक करने के लिए एक वाहन रैली निकाला है। इसमें हमारे शहर के सभी गणमान्य अधिकारी, DM, कमिश्नर, IG, DIG, हमारे नगर आयुक्त, हमारे सभी पार्षद, हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, ये सब में उपस्थित है। हम लोगों का जो सरकार की सोच है, मोदी योगी जी की सोच है, हर घर पर तिरंगा लहरा करके हम उन्हें बताएंगे कि हमने किस तरह से आज़ादी पाई है। ये आज़ादी हमें मुफ्त नहीं मिली है, इसके लिए भारत के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी। इसी के तहत हम इस महोत्सव को मना रहे हैं। जय हिंद।